ओके ये देखो जब हम
इस सेंटेंस को देखते हैं, इस सेंटेंस को देखते हैं, द मैन गेव द बेगर फूड। तो ये जो मैन है ना वो बेगर नहीं है, बेगर अलग है और मैन अलग है ना। तो इसमें ये आपका एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। और फिर ये बेगर जो है वो भोजन नहीं है, इसलिए ये आपका दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। ये समझ में आया? अब तुम इसको देखकर सोच सकते हो कि इसमें तो कार्ड्स भी आ रहा है, लेटर्स भी आ रहा है, ईमेल्स भी आ रहा है, तो इसमें तो एक से अधिक ऑब्जेक्ट आ रहा है। ऐसी बात नहीं है। जब हम कहते हैं कि एक ही ऑब्जेक्ट, तो अपना मतलब है कि वाक्य में जब दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक से अधिक ऑब्जेक्ट होता है, तो उसमें एक तो प्राप्तकर्ता होता है और दूसरा उस प्राप्तकर्ता के द्वारा प्राप्त की गई वस्तु होती है। जैसे ये वाला है तो बेगर तो प्राप्तकर्ता है, बेगर रिसीवर है, प्राप्तकर्ता है। क्या प्राप्त किया उसने? उसने भोजन प्राप्त किया। अब ये हो गया एक से अधिक ऑब्जेक्ट, एक प्राप्तकर्ता और एक प्राप्त की गई चीज। अंडरस्टूड? सपोज इस सेंटेंस में मैं कहती I sent cards, letters and emails. अब मैं इसको I sent my friends, अभी दो ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि प्राप्त करता मेरे दोस्त है और उनके द्वारा प्राप्त की गई ये सारी चीजें। अब इसमें डबल ऑब्जेक्ट आ गया, दो ऑब्जेक्ट आ गया। इसमें क्लियर? जब किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट के नाम पर प्राप्त करता हो और फिर उस प्राप्तकर्ता के द्वारा प्राप्त की गई वस्तु या वस्तुएं हो, तो हम कहेंगे कि एक से अधिक ऑब्जेक्ट है, वरना ऑब्जेक्ट एक ही है। तो ये जो है मैंने मैंने भेजा, ये सारी चीजें भेजी, इसमें केवल भेजी गई चीजें हैं। प्राप्तकर्ता कौन है इसमें तो मिसिंग है। एक से अधिक ऑब्जेक्ट का मतलब एक प्राप्तकर्ता हो, एक से अधिक प्राप्त करता हो कोई बात नहीं, एक प्राप्त की गई वस्तु हो, एक से अधिक प्राप्त की गई वस्तु हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर दो किस्म के ऑब्जेक्ट्स हैं। तो जब हम कहते हैं कि किसी वाक्य में एक ही ऑब्जेक्ट है, तो हमारा मतलब है कि एक ही तरह का ऑब्जेक्ट, दो तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं, प्राप्त करता और प्राप्त की गई वस्तु। एक ही तरह का ऑब्जेक्ट हो तो फिर वो प्राप्त करता हो, चाहे वो प्राप्त की गई वस्तु हो, कुछ ही हो, हम उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। जब किसी सेंटेंस में एक ही तरह का ऑब्जेक्ट होता है तो हम उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो माँ खाना बनाती है, ये आपका एक ही ऑब्जेक्ट है, फूड ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्लियर। और इस वाले वाक्य में प्राप्त करता इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना। मैं यहां लिख रही हूं प्राप्तकर्ता या रिसीवर इज इक्वल टू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इज इक्वल टू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और प्राप्त की गई चीज, प्राप्त की गई वस्तु, या जिसको हम थिंक रिसीव्ड कहेंगे, थिंक रिसीव्ड कहेंगे, वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ये क्लियर हो गया? ये क्लियर है? अब इस सेंटेंस को देखो, अगला, दे नॉमिनेटेड हिम सेक्रेटरी। क्या दे हिम है? नहीं, दे अलग है, हिम अलग है, ये आपका ओ है, पर हिम ही सेक्रेटरी है, तो सेक्रेटरी आपका सी हो गया। तो इस वाक्य में तो एक ही और है ना, एक ही है ना, तो ये क्या कहलाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि इस वाक्य में एक ही ऑब्जेक्ट है। उसी तरह से टॉम शोड हिज फ्रेंड्स द प्राइस। टॉम उसके दोस्त नहीं है, टॉम अलग है, हिज फ्रेंड्स अलग है, हिज फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट है, और उसके फ्रेंड्स ने ही प्राइस देखा ना, उसके फ्रेंड्स
प्राइस नहीं है, उसके फ्रेंड्स अलग है, प्राइस अलग है, इसलिए प्राइस भी आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्लियर है? अब इसमें प्राप्तकर्ता कौन है? फ्रेंड्स है। भले ही फ्रेंड्स ने प्राइस प्राप्त नहीं किया, बट वो एक्शन जो देखने वाला है वो उन्हीं के साथ हुआ है, तो इसलिए ये भी आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें प्राप्तकर्ता फ्रेंड्स हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और उनको क्या देखने को मिला? प्राइस, तो वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इज दिस ऑल्सो क्लियर? नेक्स्ट देखो, द चाइल्ड शोड हर पेरेंट्स द रिपोर्ट कार्ड। तो द चाइल्ड शोड हर पेरेंट्स, हर पेरेंट्स, तो चाइल्ड ने, चाइल्ड अब उसके पेरेंट्स तो नहीं है ना, तो हर पेरेंट्स ऑब्जेक्ट हो गया। और हर पेरेंट्स रिपोर्ट कार्ड तो बिल्कुल भी नहीं है, वो भी ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसमें प्राप्तकर्ता कौन है? पेरेंट्स। और उन्होंने क्या प्राप्त किया? रिपोर्ट कार्ड, वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। पेरेंट्स आपका आई ओ हो गया। इज दिस क्लियर? ये क्लियर हुआ या नहीं? प्राप्तकर्ता इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और उसके द्वारा प्राप्त की गई वस्तु, उसके द्वारा देखी गई वस्तु जो भी है, वो सारा आपका इनडायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सॉरी, मदर कुक्स फूड, ये ऊपर भी आ गया, सेम, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ही रोट अ लेटर, अ लेटर आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ही लेटर तो है ही, तो इसे ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। द बॉय गेव द डॉग अ बोन, द बॉय गेव, ये बॉय जो है वो डॉग नहीं है, इसे ये ऑब्जेक्ट है, और डॉग जो है वो बोन भी नहीं है, इसे बोन भी ऑब्जेक्ट है। डॉग तो प्राप्त करता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और उसके द्वारा प्राप्त की गई चीज बोन यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, द पीपल गेव द मैन अ वार्निंग। पीपल मैन नहीं है, इसलिए मैन आपका ओ हो गया, और मैन चेतावनी नहीं है, वार्निंग पे आपका ओ हो गया। मैन तो आपका प्राप्तकर्ता हो गया, और उसके द्वारा प्राप्त की गई वस्तु को चेतावनी हो गई, वार्निंग हो गई, तो ये आपका आई ओ हो गया, और ये आपका ई ओ हो गया। इज दिस क्लियर? हां, सर क्या हो? हां, फादर गेव द सन अ बीटिंग। तो फादर गेव, फादर और सन एक तो नहीं है ना, अलग अलग है, तो ये आपका एक ऑब्जेक्ट है। और बेटा और उसने जो मार खाई वो मार भी एक नहीं है, वो भी ऑब्जेक्ट है, तो ये आपका प्राप्त करता सन, क्या प्राप्त की उसने? बीटिंग, आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। उसी तरह से I sent, अब यहाँ देखो, I sent my friends, relatives and neighbors. I sent my friends, relatives and neighbors. अभी तीनों, चारों, सौ, वो से कोई मतलब नहीं है, एक ही प्रकार के हैं, प्राप्त करता है, और हम उन्होंने तीन तरह की चीजें प्राप्त की, सो व्हाट, वो दूसरा प्रकार है। प्राप्त करता एक प्रकार का ऑब्जेक्ट है, और उसके द्वारा प्राप्त की गई चीज, उनके द्वारा, उन सब के द्वारा प्राप्त की गई बहुत सारी चीजें भी दूसरे प्रकार का ऑब्जेक्ट है, दो ही प्रकार का ऑब्जेक्ट है, प्राप्त करता और प्राप्त की गई वस्तु। इज दिस क्लियर? ये आपको बिल्कुल क्लियर है? अगले पे चल सकते हैं? चलो इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो। अब हम नेक्स्ट, अरे वन सेकंड, बंद कैसे करते हैं? सुन लो, आप ये लिखा है क्यों था? लिसन, अब एक चीज समझो, अपन ने देखा कि नाउ सब्जेक्ट बनकर आता है तो नॉमिनेटिव केस है, नॉमिनेटिव केस, अपन उसको नॉमिनेटिव केस कहते हैं, और जब वो कॉम्प्लीमेंट होता है, राम ही टीचर है, टीचर ही राम है, तो उस स्थिति में हमने टीचर को कॉम्प्लीमेंट तो बताया, पर हमने नाउन का केस क्या बताया? हमने कहा कि वो प्रेडिकेट नॉमिनेटिव है, हमने नाम दिया है ना, तो जो नॉमिनेटिव केस है, नॉमिनेटिव केस
का नाउन। अब ऐसी पूछती है आपसे, a noun in the nominative case can be a subject, b subject object, c subject plus subject complement, d all these। subject plus subject complement ये हो सकता है, राम इज अ टीचर, टीचर इज राम। क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, इससे आपको थ्योरी बतानी चाहिए कि होता क्या है। तो नॉमिनेटिव केस का नाउन सब्जेक्ट भी हो सकता है और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये ही है, वो ही है, इसको हम कॉम्प्लीमेंट कह रहे हैं। ये क्लियर हो गया? नॉमिनेटिव केस लिखो, बिल्कुल लिखो, बिल्कुल लिखो। अ नाउन इन द नॉमिनेटिव केस, अ नाउन इन द नॉमिनेटिव केस, a noun in the nominative case, n-o-m-i-n-a-t-i-v-e, a noun in the nominative case can be a subject, can be a subject or a subject complement, a subject complement can be a subject or a subject complement। क्या होता है subject complement? भाई राम is a teacher, teacher is राम, teacher ही राम है और teacher complement है और वो teacher subject के बारे में कुछ बता रहा है, तो s is equal to c, c is equal to s, इसलिए वो subject complement कहलाएगा। clear? हाँ संबंध
सब्जेक्ट से है, राम ही टीचर है, इसलिए ये आपका कॉम्प्लीमेंट, परंतु सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट लिखो कॉपी में, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट यानी, कॉम्प्लीमेंट यानी जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट ही वो है जो बाद में आ रहा है सेंटेंस में, सब्जेक्ट ही वो है जो कि बाद में आ रहा है सेंटेंस में, जैसे राम इज अ टीचर, जैसे राम इज अ टीचर, तो राम ही टीचर है, राम ही टीचर है और टीचर ही राम है, तो हम टीचर को कॉम्प्लीमेंट बताएंगे, तो हम टीचर को कॉम्प्लीमेंट बताएंगे, COMPLEMENT, और क्योंकि वह टीचर, और क्योंकि वह टीचर सब्जेक्ट में आया हुआ व्यक्ति ही है, सब्जेक्ट में आया हुआ व्यक्ति ही है, इसलिए टीचर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। इज दिस क्लियर? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। शीनम, इज दिस क्लियर? अब लुक एट दिस सेंटेंसेस, अब इस सेंटेंस को देखो, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इसलिए है क्योंकि ये टीचर वही है जो सब्जेक्ट बन कर आया है। पर अब इस सेंटेंस को देखो, वी इलेक्टेड मोहन प्रेसिडेंट, हम मोहन नहीं है, इसलिए मोहन आपका ऑब्जेक्ट है, पर मोहन ही प्रेसिडेंट है माना, तो प्रेसिडेंट हमारा सी हो गया, प्रेसिडेंट हमारा सी हुआ या नहीं? क्यों सी हुआ? क्योंकि मोहन ही प्रेसिडेंट है ना। अब प्रेसिडेंट का संबंध वी से है या मोहन से है? प्रेसिडेंट हम थोड़ी बने, मोहन बना, और मोहन वाक्य में ऑब्जेक्ट है, और इसलिए ये आपका ओसी है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऊपर वाले सेंटेंस में टीचर का संबंध सब्जेक्ट से है, राम से है, नीचे वाले सेंटेंस में प्रेसिडेंट सी तो है, पर उस प्रेसिडेंट का संबंध मोहन से है और मोहन वाक्य में ओ है, और इसलिए वो ओसी हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये क्लियर है या नहीं है? इस सेंटेंस को देखो, वी नेम्ड द बेबी गुड्डी, तो वी सब्जेक्ट, नेम हम बेबी तो नहीं है तो इसलिए वो ओ है, पर वो बेबी ही गुड्डी है, इसे गुड्डी तो सी हो गया, परंतु गुड्डी हमसे रिलेशन रखती है या बेबी से रखती है? गुड्डी कौन है? गुड्डी ही बेबी है, बेबी ही गुड्डी है, गुड्डी ही बेबी है और बेबी ही गुड्डी है ना, इसलिए क्या हो जाएगा? ये आपका सी तो हो जाएगा, परंतु इसका संबंध क्योंकि बेबी से है तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इज दिस क्लियर? चलो ठीक है। अब ही नोट अ लेटर, नहीं हमने किया था मदर कुक्स द फूड, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस, मदर कुक्स द फूड, हम शायद इससे भी ऊपर थे गए ना, बैठे है ना। अब देखो ऑब्जेक्टिव केस, एक ही ऑब्जेक्ट है वाक्य में, जब वाक्य में
एक ही ऑब्जेक्ट हो तो वह ऑब्जेक्ट नाउन तो होता ही है और वो ऑब्जेक्टिव केस का होता है। जैसे सब्जेक्ट आपका नॉमिनेटिव केस का होता है, जैसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता तो नॉमिनेटिव केस का ही है, चाहे आप उसको प्रेडिकेट नॉमिनेटिव बुलाओ या कुछ भी बुलाओ, होता वो नॉमिनेटिव केस का है। अंडरस्टूड? उसी तरह से ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है। ये क्लियर है? ये क्लियर है? तब क्या होता है जब किसी वाक्य में दो प्रकार के ऑब्जेक्ट हो? जब किसी सेंटेंस में द मैन गेव द बेगर फूड, इसमें प्राप्तकर्ता भी है, प्राप्त की गई वस्तु है, दोनों ही ऑब्जेक्ट है और होने को दोनों ही ऑब्जेक्टिव केस के नाउंस हैं, परंतु जो प्राप्तकर्ता होता है उसको हम डैटिव केस कहते हैं। कहते हैं आरपीएससी आपको ऑब्जेक्टिव केस देते, डैटिव एक्टिव का नाम नहीं ले तो ऑब्जेक्टिव केस है। जैसे अभी अपन ने देखा कि ग्राम इज अ टीचर में ग्राम भी नॉमिनेटिव केस है, टीचर भी नॉमिनेटिव केस है। ये अलग बात है कि ग्रामेरियंस ने उस प्रेडिकेट वाले हिस्से में आए हुए नॉमिनेटिव केस के नाम को एक अलग परिभाषा दी है और उसको प्रेडिकेट नॉमिनेटिव नाम दिया है। उसी तरीके से जब किसी वाक्य में दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं, दोनों ही ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में है, दोनों ही ऑब्जेक्टिव केस में है। पर यहाँ पर भी ग्रामेरियंस ने प्राप्तकर्ता को तो डेटिव केस बता दिया, DATIVE डेटिव केस, और प्राप्त की गई चीज जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसको उन्होंने शुद्ध ऑब्जेक्टिव केस बताया। इज दिस क्लियर? तो ये आपका, ये सारे सेंटेंसेस आप इसको देखो, द मैन गेव द बेगर फूड, ये प्राप्त करता है ना, ये डेटिव केस हो गया, होने को ऑब्जेक्टिव केस है, होने को ऑब्जेक्टिव केस है। अगर आरपीएससी डेटिव केस नहीं देगी, ऑब्जेक्टिव केस देती तो ये मत देना हमारी मैम ने तो करना डेटिव केस और कुछ और ही लगा दिया, ये सब मत करना, ये फाइन ट्यूनिंग है। मतलब ब्रॉड तो ऑब्जेक्टिव केस है पर उसमें भी एक स्टेप गहरा अगर हमें उतरना हो तो हम उसे डेटिव केस बताएंगे। आरपीएससी क्या पूछती है अपने को तो नहीं पता ना, सपोज वो डेटिव केस ऑप्शन में दे, आपको पता होना चाहिए कि डेटिव केस है क्या। डेटिव केस प्राप्तकर्ता वाला नाउन है, बस सिंपल। ओके, तो ये आपका डेटिव केस हो गया बेगर और वो आपका ऑब्जेक्टिव केस हो गया। ये ऑब्जेक्टिव केस एंड डेटिव केस है, वो ऑब्जेक्टिव केस है। अब दे नॉमिनेटेड हिम सेक्रेटरी में कोई डेटिव एक्टिव नहीं है, इसमें कोई डेटिव एक्टिव कुछ भी नहीं है क्योंकि इसमें तो ऑब्जेक्ट ही एक तरीके का है और जब एक ही तरीके का ऑब्जेक्ट होता है तो वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और डेटिव केस तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है प्राप्तकर्ता। जब एक ही तरह का ऑब्जेक्ट है तो ये तो आपका ऑब्जेक्टिव केस है। अगला है टॉम शोड हिज फ्रेंड्स द प्राइस, प्राप्तकर्ता प्राप्त की गई वस्तु, ये आपका डेटिव केस होता है, है तो ऑब्जेक्टिव केस पर है वो डेटिव केस। ये क्लियर है या नहीं है? कोई ऐसा जिसको क्लियर नहीं हो अभी पूछ लो, पूरा खत्म करने के बाद में पूछो। कोई ऐसा जिसको क्लियर नहीं है? अनीता क्लियर? डाउटफुली मत जवाब दो, क्या नहीं समझ में आया अभी पूछ लो। हाँ, प्राप्तकर्ता और प्राप्त की गई चीज दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, पर प्राप्तकर्ता डेटिव केस कहलाता है, वो तो ऑब्जेक्टिव केस ही है पर उसका एक दूसरा नाम है डेटिव केस। जैसे नॉमिनेटिव केस का कॉम्प्लीमेंट है तो नॉमिनेटिव केस में पर अपन ने उसको एक अलग नाम दिया प्रेडिकेट नॉमिनेटिव, वैसे ऑब्जेक्टिव केस का नाउन दोनों होते हैं, प्राप्तकर्ता एंड प्राप्त की गई वस्तु, पर प्राप्तकर्ताओं को अक्सर ग्रामर में डेटिव केस का नाउन बताते हैं, बस ये जानना है। द चाइल्ड टॉम शोड हिज फ्रेंड्स द प्राइज, दिस फ्रेंड्स प्राप्तकर्ता है, प्राइज आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्टिव केस में है और ये आपका डेटिव केस में है, है तो ऑब्जेक्टिव केस में पर हम डेटिव केस कह रहे हैं। द चाइल्ड शोड हर पेरेंट्स द रिपोर्ट कार्ड, सेम थिंग,
प्राप्तकर्ता पेरेंट से नेगेटिव केस है और वो प्राप्त की गई वस्तु आपका ऑब्जेक्टिव केस है। मदर कुक सूट इसमें एक ही ऑब्जेक्ट है तो ये तो आपका ऑब्जेक्टिव केस है। ही रोट अ लेटर एक ही ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्टिव केस है। द बॉय गेव द डॉग अ बोन प्राप्तकर्ता नेगेटिव केस प्राप्त की गई वस्तु ऑब्जेक्टिव केस। द पीपल गेव द मैन अ वार्निंग द मैन प्राप्तकर्ता डेटिव केस और ये ऑब्जेक्टिव केस। फादर गेव द सन अ बीटिंग ये प्राप्तकर्ता ये प्राप्त की गई चीज है डेटिव केस है ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव डेटिव केस का ऑब्जेक्टिव केस ही है। अगर आरपीएससी नाम बदल के तुमको थोड़ा घुमा के पूछती है तो फिर यू शुड नो कि डेटिव केस नाम की कोई चीज होती है एक्चुअली बस है ना। आई सेंट माय फ्रेंड्स रिलेटिव्स एंड नेबर्स आपकी डेटिव केस है और तुमने जो चीजें भेजी कार्ड्स लेटर्स ईमेल्स ये सारा आपका ऑब्जेक्टिव केस हो गया। राम इज अ टीचर ये आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इसके है कि टीचर का संबंध राम से है राम वाक्य में सब्जेक्ट है। और इधर वी इलेक्टेड मोहन प्रेसिडेंट में प्रेसिडेंट का संबंध मोहन से है क्योंकि मोहन ही प्रेसिडेंट है और वाक्य में मोहन ऑब्जेक्ट है इसलिए ये प्रेसिडेंट आपका ओसी बन गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इज दिस क्लियर ये बिल्कुल क्लियर है बस आज आप खत्म करो। अच्छा परसों शाम को क्लास नहीं हो पाएगी। आप लोग तुम्हारा